ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। अभिनेता रणवीर सिंह ने हाल ही में अपनी न्यूड तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी। इस बीच रणवीर अपनी बोल्ड तस्वीरों की वजह से कानूनी पचड़े में पड़ते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वकील अखिलेश चौबे ने रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पोस्ट का युवा पीढ़ी पर गंभीर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। एडवोकेट चौबे ने रणवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। शिकायतकर्ता का दावा है कि रणवीर सिंह युवाओं के लिए हीरो है, इसलिए अगर कोई और करता है जो उसने किया है तो यह गलत कदम होगा। इसलिए इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। पिछले गुरुवार को रणवीर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल और अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फ़ोटोज़ पब्लिश किए। जो फ़ोटो उन्होंने किसी मैगजीन के लिए शूट किए थे वो सारे फ़ोटो नग्न हैं, और उसके अलावा कुछ फ़ोटोज़ और वायरल हैं जिसमें उनके प्राइवेट पार्ट्स तक दिख रहे हैं। ये जो इंडस्ट्री की नग्नता है उसको ये रोड पर ला रहे हैं। सोशल मीडिया में अब तक कोई सेंसर नहीं हुआ है, लेकिन आज हर घर का हर बच्चा हर महिला के हाथ में मोबाइल है, और अगर उनके स्टार जिनको नायक कहते हैं, उनकी फिल्मों के कारण बच्चे भी उनके फ़ैन हैं, उनके स्टार अगर इस तरह के फ़ोटोग्राफ जो है सोशल मीडिया में डालते हैं तो इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमने डॉक्टर श्याम ललित श्याम के माध्यम से एक कंप्लेन दर्ज की है, और हमारा पुलिस स्टेशन से हमारी मांग है कि उनके खिलाफ़ IPC सेक्शन 292, 293 और 67A ऑफ IT एक्ट के तहत गुनाह दाखिल करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि जो और सारे अभिनेता हैं, जो और सारे सेलिब्रिटी हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचे कि ये गलत है। जिस तरह से राज कुंद्रा को अरेस्ट किया था, उनकी टीम को अरेस्ट किया था, एक अच्छा मैसेज समाज में गया, उसी तरह से रणवीर सिंह को अरेस्ट करके एक अच्छा मैसेज मुंबई पुलिस को देना चाहिए। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।